आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है।
कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई।
इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे।
उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ
उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने
एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और
पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी।
फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊँगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था।
इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था।
फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का
पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया।
इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊँगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी
और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण
जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया।
उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज़ थी। फिल्म को जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज़ थी। फिल्म को जी स्टूडियोज़ के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है।
कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई।
इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे।
उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ
उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने
एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और
पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी।
फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है, इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था।
इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊँगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था।
फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनौत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनौत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का
पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हांस लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया।
इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी
और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस फिल्म में कंगना रनावत प्रमुख भूमिकाओं में ली गई है। यह फिल्म जनवरी 2020 में जापान में रिलीज होने वाली फिल्म बनी और यह जब भारतीय ओपनर फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी बन गई। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अपनी सूची में नाम बनाया। इसे बुकी ऑन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया था। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में रनावत ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में राष्ट्रीय अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस फिल्म का वर्णन अमिताभ बच्चन ने किया है। छायांकन इस फिल्म का ज्ञान शेखर जीसी का है। संपादन इस फिल्म का रामेश्वर भगत और सूरज जगताप ने किया था। फिल्म के संगीत शंकर इन्हास लॉय, संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा ने दिए थे। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज थी। फिल्म को जी स्टूडियोज के द्वारा ही वितरित किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख 25 जनवरी 2019 है। इस फिल्म की कुल लंबाई 150 मिनट थी। देश इसका भारत और इसकी भाषा हिंदी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अनुमानित 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाट पर मणिकर्णिका नाम की लड़की का जन्म हुआ। उसका पालन पोषण उसके पिता मोरोपंत और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया है। जब वह पेशवा की पसंदीदा बनती है तो वह उसे काफ़ी प्यार से पालते हैं। एक दिन झांसी के दीक्षित ने एक क्रूर बाघ से निडर सामना करते हुए उसे देखा। उसे प्रभावित होकर उन्होंने पेशवा से मराठा शासन झांसी के रियासत महाराज गंगाधर राव के लिए विवाह के साथ उसका हाथ मांगा। दीक्षित जी को मालूम था कि अंग्रेजों की नज़र झांसी पर है। इस वजह से किसी भी कीमत पर इस राज्य का कब्जा वह नहीं देना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर व्यक्तित्व को अंग्रेजों की टक्कर देने के लिए लक्ष्मीबाई का किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवाह होते ही परंपरा के अनुसार राजा उसे एक नया नाम देते हैं, लक्ष्मीबाई। इन सभी घटनाक्रमों में से गंगाधर के भाई सदाशिव राव परेशान हो गए। वह अंग्रेजों से मित्रता रखते हैं क्योंकि कुछ वर्षों बाद उन्हें उस राजगद्दी पर कब्जा करना है। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई दामोदर को जन्म देती है और अपनी खुशी को वह रोक नहीं पाती। हालांकि खुशी काफ़ी दिन नहीं रहती क्योंकि सदाशिव ने दामोदर को गुप्त रूप से जहर दे दिया। उसी समय गंगाधर भी बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है। आज मैं आपको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इस मूवी की कहानी